दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूपीपीसी और सीपीपीसी पाइप में दोनों में क्या फर्क होता है? जीआई पाइप को छोड़कर आजकल ये दोनों पाइप को ज़्यादातर कामों में क्यों लिया जा रहा है? हर जगह में जीआई पाइप पहले काम होता था, लेकिन आजकल देखते होंगे सभी जगहों में यूपीपीसी और सीपीपीसी पाइप को ज़्यादातर काम में लिया जा रहा है। कौन सा पाइप सस्ता होता है, कौन सा पाइप महंगा होता है, कौन सा पाइप में ठंडा और गर्म पानी दोनों सपोर्ट करता है, आइए इन दोनों पाइप के बारे में आपको हम बताते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यूपीपीसी पाइप के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, यूपीपीसी पाइप का फुल फॉर्म होता है अनप्लास्टिजाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों, ये जो पाइप है इसको स्पेशल फैक्ट्री प्लांट में केमिकल और रसायन सप्लाई करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, फैक्ट्री प्लांट में क्या होता है, रसायन और केमिकल जो होते हैं उसको एक से दूसरे जगहों में सप्लाई करने के लिए बनाया गया है। पहले क्या होता था, पहले जीआई का पाइप यूज़ किया जाता था, लेकिन जीआई पाइप में क्या होता है, जीआई पाइप में आयरन लगते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो उससे केमिकल जो होता था वो दूषित हो जाता था, पानी भी सप्लाई होता था तो वो भी दूषित हो जाता था। इसीलिए ये पाइप है इसको ज़्यादातर फैक्ट्री प्लांट होते हैं उसमें इसको यूज किया जाता है, लेकिन आजकल देखते होंगे घरों में भी इसको यूज किया जा रहा है। घर में भी ये आसानी से यूज हो जाता है, काम में आता है, पानी सप्लाई करने के लिए ये पाइप अच्छा है। दोस्तों, इसका इसका जो कलर होता है वो वाइट कलर में होता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं सीपीपीसी पाइप के बारे में। दोस्तों, सीपीपीसी पाइप का फुल फॉर्म होता है कोलिनाइटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है सीपीपीसी पाइप का। दोस्तों, ये जो पाइप होता है इसको स्पेशल घरों में पानी को सप्लाई करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आजकल देखते होंगे हर जगह में घरों में आपको सीपीपीसी पाइप के वायरिंग किए हुए पाइपलाइन बिछाए हुए आपको मिल जाएंगे सीपीपीसी पाइप के। अगर देखते होंगे घर में, अगर किसी घर में जाइएगा तो छत में भी आपको सीपीपीसी पाइप के पाइपलाइन आपको कनेक्शन किए हुए मिल जाएंगे, और बाथरूम में भी इसका वायरिंग जो होता है वो सीपीपीसी पाइप का ज़्यादातर होता है। दोस्तों, इसका ये खास बात है कि ये दोनों पानी को सपोर्ट करता है, मतलब ठंडा और गर्म पानी, ये दोनों पानी को ये सपोर्ट करता है। अगर आप इसका गीजर का लाइन में भी इसको आप लगाइएगा तो ये गर्म पानी को भी ये झेल लेगा और ठंडा पानी, ये दोनों को सपोर्ट करता है। और दोस्तों, आप देखते होंगे जहाँ पे सोलर गीजर लगा हुआ रहता है, जैसे छत में सोलर गीजर लगा हुआ रहता है, तो उसमें आपको सीपीपीसी पाइप हमेशा आपको लगा हुआ दिखेगा। यूपीपीसी पाइप में गर्म पानी सपोर्ट नहीं करता है। यूपीपीसी पाइप स्पेशल फैक्ट्री प्लांट में रसायन केमिकल सप्लाई करने के लिए, और पानी उसमें भी सप्लाई होता है। पानी आप ठंडा पानी उसमें सप्लाई कर सकते हैं यूपीपीसी पाइप में। सीपीपीसी पाइप में आप ठंडा और गर्म पानी आप दोनों सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बात करते हैं मजबूती में, तो आपको यूपीपीसी के मुकाबले आपको सीपीपीसी पाइप मजबूत होता है। अगर आप दुकान में ये पाइप को खरीदने जाइएगा दोनों पाइप को, तो आपको जहां आपको 200 में यूपीपीसी पाइप मिल जाएगा, तो उसी अगर आप उसके बाद आप सीपीपीसी पाइप पूछेगा तो उसका प्राइस आपको 300 से 400 आपको लग सकता है। ये इसका स्पेशल बात ये है कि ये सीपीपीसी पाइप जो होता है उसमें ठंडा और गर्म पानी आपका दोनों सपोर्ट करता है, और यूपीपीसी में आपको ठंडा पानी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, जो जीआई पाइप पहले होते थे उसमें जीआई पाइप में आपको देखते होंगे इसमें आयरन बहुत ज़्यादा लग जाते थे, इसीलिए इसको आजकल हर जगहों में यूपीपीसी पाइप जो होते हैं ये प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं। इसमें केमिकल और प्लास्टिक से बहुत ही मजबूती से इसको बनाया जाता है, और ये जल्दी टूटते नहीं है, जल्दी ख़राब भी नहीं होते, प्लास्टिक के पूरे बने हुए रहते हैं। इसे इसका नाम से ही आप जान गए होंगे। इसका फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया था कि इसे कोलोनाइटेड पॉलीविनाइल ये सारा चीज़ में मिलाया हुआ रहता है, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं और ना ही ये जल्दी टूटते हैं और ना ही इसमें जंग लगने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, आजकल इसी कारण ये पाइप को ज़्यादातर यूज किया जा रहा है। इसका जब फिटिंग भी होता है, ये फिटिंग इसका बहुत ही आसानी से होता है। पहले जीआई पाइप क्या होता था, उसमें जीआई पाइप के एक बाथरूम में पाइप लगाने से लगाते लगाते 2 से 3 दिन लग जाते थे, लेकिन आजकल देखते होंगे 2 से 3-4 घंटे में आपको ये जो पाइप है ये तुरंत फिटिंग हो जाता है। इसका पेस्टिंग से ये फिटिंग होता है ये पाइप। हमारा पहले वाला वीडियो भी देखे होंगे जिसमें हम लोग इसका फिटिंग करते हैं, तो ये पाइप जो होता है ये बहुत ही आसानी से फिटिंग हो जाता है। तो इसी कारण आजकल जीआई पाइप को छोड़ के ये दोनों पाइप को आजकल यूज किया जा रहा है, सीपीपीसी और यूपीपीसी। हर जगह में आपको ये पाइप आपको लगा हुआ मिलता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।